जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों, दो मोबाइल हमारे पास में हैं। लेटेस्टली लॉन्च हुआ है रियलमी 10 प्रो डिवाइस, जो कि SD695 प्रोसेसर के साथ में आता है। ये एक 6 NM प्रोसेसर है। इसके साथ में कुछ समय पहले लॉन्च हुआ रेडमी 11 प्राइम डिवाइस, जो कि G99 प्रोसेसर के साथ में आता है। दोनों ही दोस्तों 6 NM प्रोसेसर है, बट रियलमी 10 प्रो जो एक 5G प्रोसेसर के साथ में आता है, कि रेडमी 11 प्राइम 4G प्रोसेसर के साथ में आता है। हम G95 और SD695 का पहले ही कंपैरिजन कर चुके हैं रियलमी 8 4G एंड रियलमी 10 5G के साथ में। वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, चेकआउट जरूर से करिएगा। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पे हम फुल स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। दोस्तों, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो रेडमी 11 प्राइम में 6.5 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है, जबकि रियलमी 10 प्रो डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलता है, जो कि 6.72 इंचेस FHD प्लस डिस्प्ले के साथ में आता है। अब बेजल्स देख सकते हो, रेडमी 11 प्राइम के काफ़ी थिक बेजल है, जबकि रियलमी 10 प्रो में काफ़ी थिन बेजल्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। और डिस्प्ले के मामले में रियलमी 10 प्रो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकलता है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे बूटिंग टेस्ट हम करने वाले हैं, देखते हैं कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट बूट होता है। यहाँ पे सेम टाइमिंग पे मैंने टैप किया है, बट थोड़ा सा स्लिप हो गया रियलमी में, आगे जाके हम मैनेज कर लेंगे। देखते हैं कि कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट यहाँ पे बूट होता है। रियलमी जो है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पर बूट हो चुका है, और अभी भी मी का जो रेडमी 11 प्राइम है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ बूटिंग टेस्ट में रियलमी 10 प्रो जो है विनर हो जाता है। अब दोस्तों, हम ऐप डाउनलोडिंग टेस्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हो दोनों ही मोबाइल जो है यहाँ पे सेम वाईफाई रियलमी X7 से जुड़े हुए हैं। एक गेम यहाँ पे 10-12 MB का हम डाउनलोड करके चेक करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मैंने किया है, एंड यहाँ पे प्ले बटन सबसे पहले आप देख सकते हो रियलमी 10 प्रो डिवाइस में आया। तो SD695 जो प्रोसेसर है, ये काफ़ी अच्छी डाउनलोडिंग स्पीड के साथ में इस टेस्ट को भी विन कर लेता है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट स्पीड लेके आता है। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, फटाफट से रिजल्ट हम देख लेते हैं। रेडमी 11 प्राइम की डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा है, जबकि अपलोडिंग स्पीड रियलमी 10 प्रो की, तो दोनों ही यहाँ पर इक्वल ही है, तो रिजल्ट भी यहाँ पर इक्वल ही आता है। दोस्तों, हम यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग टेस्ट करने वाले हैं, जिससे कि यहाँ पे मल्टीटास्किंग गेमिंग अगर आप कर रहे हो तो CPU को कितना थ्रोटल करना पड़ता है, इसके बारे में हमको डिटेल में जानकारी मिल जाती है। 5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं। थोड़ा सा वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्रीन लाइन दोनों ही मोबाइल में दिख रही है, बट हल्की सी यहाँ पे येलो लाइन आपको 10 प्रो में दिख रही होगी। तो यहाँ पे दोनों ही 6 NM प्रोसेसर है, एंड रिजल्ट मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे 93% एंड 92% पे 10 प्रो है। तो 1% से, ओनली 1% से यहाँ पे रेडमी 11 प्राइम जो है वो आगे हो जाता है, इसलिए इस टेस्ट में रेडमी 11 प्राइम जो है वो विनर बन जाता है। फिर सिस्टम ऐप को ओपन करके देख लेते हैं, जैसे कि कैमरा देखते हैं कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट यहाँ पे ओपन करता है। थोड़ा सा यहाँ पे रेडमी 11 प्राइम ने पहले ओपन किया है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे गूगल को ओपन करके देख लेते हैं, गूगल डायलर को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 प्रो ने इसे सबसे पहले ओपन किया है। नेक्स्ट दोस्तों, ऐप ओपनिंग टेस्ट हम करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों, हमने कुछ हाई लेवल के गेम और कुछ डेली यूजर्स के ऐप को इकट्ठा किया है, देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले BGMI PUBG को कौन सा मोबाइल ओपन करता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, ताकि रिजल्ट फटाफट से हमें मिल सके। यहाँ पे दोस्तों, दोनों ही मोबाइल स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आप देख सकते हो 10 प्रो डिवाइस ने इसे सबसे पहले ओपन कर लिया है। पहले तो बेंचमार्क स्कोर ऐप को ओपन करके देख लेते हैं कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट इसे ओपन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेडमी 11 प्राइम ने इसे पहले ओपन किया है। इसके अंदर तो बेंचमार्क स्कोर 3.5 लाख से ऊपर मिलता है, जबकि SD695 के साथ जो 10 प्रो आता है उसमें अबव 4 लाख एंड बेंचमार्क स्कोर मिलता है। तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे 10 प्रो डिवाइस में अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट से टेम्पल रन गेम को ओपन करके देख लेते हैं कौन सा मोबाइल इसे फास्ट ओपन करता है। दोनों ही मोबाइल यहाँ पे सेम टू सेम टाइमिंग पे, मुझे ऐसा लग रहा है रिजल्ट यहाँ पे सेम ही आने वाला है। देखते हैं कौन सा मोबाइल इसे फास्ट ओपन करता है। यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हो इक्वल ही यहाँ पे दोनों ने ओपन किया है। नेक्स्ट दोस्तों, हम देखते हैं कि कौन सा मोबाइल कैंडी क्रश गेम को ओपन करता है, जो कि ऑनलाइन एक ऑफलाइन ऐप है, दोनों ही हम यहाँ पे खेल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो रेडमी 11 प्राइम ने इसे फर्स्टली ओपन किया है। नेक्स्ट दोस्तों, कृष्णा गेम को ओपन करके देखते हैं, जो कि ऑफलाइन गेम है, लेकिन काफ़ी यहाँ पे टाइम लेता है ओपन करने में। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे रेडमी 11 प्राइम ने इसे फर्स्टली ओपन किया है। देन दोस्तों,
यहाँ पे हम लूडो किंग गेम को ओपन करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन हम इस गेम को खेलते हैं। देखते हैं कौन सा मोबाइल इसे ओपन पहले कर पाता है। दोनों ही मोबाइल स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेडमी 11 प्राइम ने इसे फर्स्टली ओपन किया है। नेक्स्ट दोस्तों, यूट्यूब को ओपन करके देखते हैं कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट इसे ओपन करता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो रियलमी 10 प्रो डिवाइस ने इसे सबसे फर्स्टली ओपन किया है। नेक्स्ट दोस्तों, क्रोम ऐप को ओपन करके देख लेते हैं कौन सा मोबाइल इसे फर्स्ट ओपन करता है। स्लो मोशन पे देखने पे यहाँ पे दोनों ही मोबाइल ने इसे साथ में ओपन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप फ्लिपकार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे रेडमी 11 प्राइम ने इसे ओपन किया है। लास्टली दोस्तों, हम ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अमेजोन को ओपन करके देख लेते हैं कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट इसे ओपन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रियलमी 10 प्रो ने इसे फर्स्टली ओपन किया है। ये था ऐप ओपनिंग टेस्ट। अब रैम मैनेजमेंट टेस्ट हम करने वाले हैं। देखते हैं ये सारी जो ऐप है बैकग्राउंड में कौन से मोबाइल की रैम में रखी हुई है। सबसे पहले पबजी को देखते हैं। तो दोनों ही मोबाइल के बीच में कंप्लीट स्पेस टेस्ट। यहाँ पे मोस्टली टेस्ट में आपने देखा होगा कि जो 10 प्रो डिवाइस है, जैसे कि रिबूटिंग टेस्ट, ऐप डाउनलोडिंग, अपलोडिंग टेस्ट, यहाँ पे मोस्टली टेस्ट में 10 प्रो जो डिवाइस है काफ़ी आगे रही है। बट यहाँ पे रैम मैनेजमेंट टेस्ट में आपने देखा होगा रेडमी 11 प्राइम ने मोस्टली ऐप, बड़े बड़े जो गेम है पबजी वगैरह, सारे रैम मेमोरी के अंदर रखा था। तो रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। रियलमी का थोड़ा सा रैम मैनेजमेंट गड़बड़ है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 10 प्रो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकलता है स्पीड के मामले में, और डिस्प्ले के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकलता है। यहाँ पे जो डिवाइस है दोनों ही, इनके प्राइस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी है। 11 प्राइम जो है अंडर 15K में मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 18K के आसपास मिलता है रियलमी 10 प्रो डिवाइस। तो ये लेटेस्ट डिवाइस है, इसमें काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। दोनों ही डिवाइस का स्पीड टेस्ट हमने यहाँ पे प्रोसेसर चेक करने के लिए किया था। G99 प्रोसेसर जो है इतना भी पीछे नहीं है SD695 प्रोसेसर के। फिलहाल इस टेस्ट से यहाँ पे यही कंक्लूजन निकलता है। दोस्तों, इन दोनों ही डिवाइस के रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, बोलते रहिए, वंदे मातरम।